हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत आसान है, कास्ट ऑन करने से लेकर है, बॉर्डर में बता रही हूँ। और इस तरीके के बॉर्डर पर जो है किस तरीके से कास्ट ऑफ करना है, ये भी मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ। तो आप ही में से जो है कुछ लोगों की जो है रिक्वेस्ट थी कि इस तरीके का जो है बॉर्डर कास्ट ऑन और कास्ट ऑफ करना बताइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कास्ट ऑन जो है बहुत सुंदर लगता है, ये देखिए। तो इसी तरीके से अगर कास्ट ऑफ करना हो तो ये मैंने जैसे यहाँ पे किया है वैसे मैं आपको बताऊंगी सेम। तो बहुत आसान है इस तरीके से बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को बनाने के लिए देखिए, हम जो है फंदे डाल लेंगे। जितने भी फंदे आपने डालने हो वो कास्ट ऑन करेंगे हम सिंगल धागे से। तो ये इस तरीके से देखिए, मैं इस तरीके से फंदे को डालती हूँ। जैसे ये जो टिप है धागे की, ये मैंने जो है सिलाई के ऊपर से इस तरीके से ले लिया है। और ये अंदाजतन जो है थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जितने आपने फंदे डालने हैं आप अंदाजे से उतना ये धागा रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है सिंपल तरीका, जैसे हम फंदे डालते हैं वैसे, तो ये जो धागा ऊपर रखा है ये इस तरीके से हम ऐसे करते जाएंगे और ये ऐसे सारे के सारे फंदे कास्ट ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं थोड़ा सा ये आपको वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़े से ही फंदे डालूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से फंदे बना लिए हैं। आप जितने मर्जी फंदे बना सकते हैं, इवन नंबर में भी बना सकते हैं और ऑड नंबर में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने सीधे हाथ से जो है फंदे डाले हैं और ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। अब देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट रो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किस तरीके से बनानी है वो देखिए। तो पहले देखिए, ये एज स्टिच मैंने सीधा बुन लिया है। उसके बाद आप जो है एक फंदा उल्टा बुन लीजिए इस तरीके से। फिर धागा पीछे करके अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। लेकिन सीधा जब हम फंदा बुनेंगे तो हम अलग तरीके से बुनेंगे, कैसे देखिए, ये आपने ध्यान देना है। जहाँ पे हमने फंदा सीधा बुनना है वहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से बुनना है। तो कैसे देखिए, अब ये धागा मैंने कर लिया है पीछे। अब ये जो सिलाई है राइट वाली, इसे हम जो है इस तरीके से नीचे से जो है ले जाएंगे। और अब जो है ये फंदा हम इस तरीके से पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए निकालेंगे और ये वापस वैसे ही लेके आएंगे ऐसे। अब ये वाली जो ये वाला जो फंदा है इसे हम बुनेंगे सीधा ऐसे। तो बस अब ये ही दो फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। तो पहले आप सीधा फंदा बुन सकते हैं और फिर उल्टा बुन सकते हैं, या जैसे मैंने अभी किया वैसे ही कर सकते हैं, पहले उल्टा बुन लिया फिर सीधा बुन लिया, एक ही बात है। और यही दो फंदे अब हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, राइट सिलाई को इस तरीके से नीचे से ले जाएंगे और यहां से अब अगला फंदा जो हमने सीधा बुनना है उसे वापस ऐसे लेके आएंगे, सिलाई पर लगा के हम इसे ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदे रिपीट करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे एक, धागा पीछे करेंगे, अब सिलाई को ले जाएंगे इस तरीके से नीचे से, फंदा निकालेंगे वापस लेके आएंगे, ये हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सिलाई नीचे से ले जाएंगे, एक फंदा ऐसे पिक करके वापस लेके आएंगे, इसे बुनेंगे सीधा। और अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो फंदे रह जाते हैं, तो उसके बाद एक फंदा उल्टा बुन लेंगे
और उसके बाद देखिए लास्ट वाला जो फंदा है इसे हम यूं ही सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने फंदे डाले हैं ये ऑड नंबर में आ गए हैं, 2, 4, 6, 8, 9। तो इस कारण जो है हमारी ये सिमेट्री बिल्कुल सेम बनी, जैसे शुरू में हमने रखा है वैसे ही आई है। अगर हम ऑड नंबर में नहीं बनाते हैं, अगर इवन में बनाते हैं तो यहाँ पे जो है लास्ट फंदे से पहले हमारा एक सीधा फंदा आ जाता है। तो आप ऑड नंबर और इवन नंबर पे सेम टेक्निक से जो है इसी तरीके से पहली रो बनाएंगे कास्ट ऑन करने के बाद। अब इसके बाद देखिए रो टू हमारी रॉन्ग साइड पे, तो पहला फंदा जो है हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये सिंपल है, जो फंदा हमें सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बुनेंगे और एक उल्टा नज़र आ रहा है ये हम उल्टा बुनेंगे, एक सीधा नेक्स्ट उल्टा। तो ये सीधा उल्टा हम रिपीट करते जाएंगे, देखिए सीधे पर सीधा बुनेंगे उल्टे पर उल्टा। ऐसे और अब देखिए दो सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये हमारा बॉर्डर जो है बिल्कुल बढ़िया सा बन चुका है। अब देखिए अब हम तीसरी रो बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो अब ये तीसरी सिलाई जैसे हमने बुनी है सारी की सारी उल्टी उल्टी, ऐसे ही हम जो है 7 सिलाइयां बनाएंगे। तो मैं इस रो को जो है रिपीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है मैंने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन ली हैं कुछ सिलाइयाँ, और आप जितना बॉर्डर ऊपर रखना चाहते हैं उतनी आप ये रोज़ बना सकते हैं। आप 3 लाइंस का गार्टर स्टिचेस की बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 बना दी हैं। और आप इस तरीके से 3 या 4 गार्टर स्टिचेस की लाइन बना के अपनी मर्ज़ी से जो है बॉर्डर की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9th रो तक जो है उल्टा बुन लिया है। अब देखिए ये 10वीं रो पर जो है मैं अब यहाँ पे कास्ट ऑफ करना बता रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रंट साइड पे 9th रो भी उल्टी बना ली थी। तो अब जो ये यहाँ पे रॉन्ग साइड पे मैं एक सिलाई जो है इस तरीके से बना रही हूँ, देखिए एक उल्टा एक सीधा। तो जैसे हमने रो टू पर बनाई थी बनाया था फंदों को, वैसे ही बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा को रिपीट करते जाएंगे एंड तक। और यहाँ पे मेरे ऑड नंबर हैं स्टिचेस के, तो ये लास्ट फंदा मेरा सीधा आ गया है। तो जब ये हम कास्ट ऑफ करेंगे तो रॉन्ग साइड पे एक रो इस तरीके से बनाएंगे गार्टर स्टिचेस की बनाने के बाद। अब ये फाइनल रो है कास्ट ऑफ की, तो बीच में गार्टर स्टिचेस की जो रो हैं वो कॉमन आ गई हैं। तो अब देखिए जब हम कास्ट ऑफ कर देंगे फाइनल में फ्रंट साइड पर करेंगे, तो यहाँ पे पहला फंदा मैंने कर लिया है स्लिप और अगला फंदा सीधा है तो इसे उल्टा बुनना है ऐसे, और फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से कर देना है पास। तो इस तरीके से फंदा यहाँ पे कास्ट ऑफ हो गया एक। नेक्स्ट अब उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रंट साइड से सिलाई डालेंगे ऐसे, धागा देखिए अब हम कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अब हम सिलाई के नीचे से ले जाएंगे और ये सीधा बुनेंगे। आप पीछे वाले फंदे को ऊपर से कास्ट ऑफ कर देंगे आगे वाले के ऊपर, एक और फंदा हमने बंद कर दिया है। अब देखिए आगे वाला फंदा सीधा है, इसे हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और धागा सिलाई के नीचे से आगे लेके आएंगे इसे ऐसे बुनने के लिए। पीछे वाले फंदे को पास करते जाएंगे, उल्टे फंदे को सीधे बुनते जाएंगे, धागा सिलाई के नीचे से आगे पीछे करते जाएंगे ऐसे ऐसे। अब फिर से धागा जो है हमने इसी तरीके से हर फंदे को बुनने के लिए जो है यहीं से आगे पीछे लाना है, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सीधा फंदा है उसे हम बुनेंगे उल्टा, तो ऐसे ही एक सीधा और एक उल्टा बुनते जाएंगे, और ये ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर
पीछे वाला फंदा पास करते जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लीजिए। इस तरीके की टेक्निक जो है मैंने आपको पहले भी बताई है काफ़ी वीडियोस में, तो ये इस तरीके से, और इस तरीके से जब कास्ट ऑफ आप गोल गले के लिए करते हैं तो आपका गोल गला जो है वो स्ट्रेचेबल बनता है और वो गले से आसानी से उतर जाता है। ये देखिए लास्ट फंदा, ये सीधा बनेगा, सीधा बना लेंगे, धागा ले जाएंगे सिलाई के नीचे से, सीधा बना लेंगे, पास कर देंगे पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे, और लास्ट फंदे को जो है हम यहाँ पे धागा बीच में से पास करके जो है काट लेंगे। तो ये इस तरीके से, मैं यहाँ पे नहीं काट रही हूँ धागा, तो ये इस तरीके से पास कर दीजिए और लॉक हो जाएगा फंदा, और फिर काट दीजिए धागा। फाइनली आपके सारे फंदे जो हैं इस तरीके से कास्ट ऑफ हो जाएंगे और ये ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। देखिए जैसे कास्ट ऑन किया है वैसे ही कास्ट ऑफ किया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं मैंने बनाए हैं जिन पर इसी तरीके से कास्ट ऑफ किया है, चाहे वो बॉटम टू अप प्रोजेक्ट्स हों या टॉप डाउन प्रोजेक्ट्स हों, तो उनमें आप किसी में भी इस तरीके से कास्ट ऑन और कास्ट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये हाफ स्वेटर है ये भी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है ये सारा, तो इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कास्ट ऑन करना। ये हाफ स्वेटर मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, इस पर भी मैंने ये कास्ट ऑन किया हुआ है और ऐसे ही कास्ट ऑफ किया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए तो यहाँ पे मैं आपको ये दो तीन प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ जिन पे ऐसे इसी टेक्निक से मैंने ये बॉर्डर बनाए हैं, और इस तरीके से काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैंने जो है बनाए हैं, बहुत लोगों को पसंद आते हैं। तो आपको अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो आप ही लोगों में से कुछ की जो रिक्वेस्ट थी कि इस तरीके के बॉर्डर जो है हमें बताइए, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। बिगिनर्स इसे बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं और सीख सकते हैं आसान कास्ट ऑन मेथड और बॉर्डर बनाना। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बिगिनर हैं तो इस तरीके से ज़रूर आप शुरुआत कीजिएगा प्रोजेक्ट्स की। ये देखिए और ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये जो हैं सारे के सारे मेरे चैनल्स पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे स्वेटर कार्डिगन के ट्यूटोरियल वीडियोस हों जिनमें आपको पूरा सीखना है कैसे पैटर्न बनाना है, कैसे कार्डिगन बनाना है।